नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का खास कार्यक्रम आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। आज बात होगी देश के भीतर कुछ बैक्टीरिया जो पनप रहे हैं उनको लेकर, लेकिन उससे पहले आप बता दूं आपको कि कल स्वतंत्रता दिवस है जिसको लेकर हम सभी तैयार हैं। देश स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, हमको आजादी की ये जो पर्व है इसको मनाने में जितनी खुशी होती है पूरा देशवासी इसको लेकर प्रफुल्लित रहता है। लेकिन आजादी की इस वर्षगांठ पर हम एक और बात करेंगे कि हमारे देश में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पनप रहे हैं और जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप ये देख रहे होंगे, ये झंडा देख रहे होंगे, ये तिरंगा हमको याद दिलाता है और हमको बताता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। ये तिरंगा हमको बताता है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में हर धर्म के लोगों को समान अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, दर्शकों, कुछ लोगों की वजह से मेरे देश को घाव मिलने लगे हैं और मुझे कोई संकोच नहीं, कोई डर नहीं ये कहने में कि मेरा भारत महान है। लेकिन इस महानता में कुछ लोग, कुछ एंटी नेशनल्स इसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज मैं बात कर रहा हूं कानपुर में घटी एक घटना की, जिस घटना ने पूरे देश में एक बार फिर वो चर्चा आम कर दी है कि अगर मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा तो मुझे मारोगे, मुझे पीटोगे। ये बात मैं खुलकर बोलता हूं कि किसी के दबाव में, किसी के डर से, और अगर कोई मेरे गर्दन पर चाकू भी रख दे तो भी मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा, क्योंकि जय श्री राम का हक मुझे संविधान देता है। यह मेरे धर्म का मसला है और मैं जब चाहूंगा तब बोलूंगा। इसके लिए कोई मुझे डरा नहीं सकता, कोई मुझे धमका नहीं सकता। लेकिन दर्शकों, मेरी एक शैली है, मेरी पत्रकारिता की एक शैली है कि मैं सिर्फ राजनीतिक बातों पर विचार विमर्श नहीं करता, मैं उन मुद्दों पर बात करना ज्यादा बेहतर पसंद करता हूं जो समाज से सीधी जुड़ी है और जिन चीजों पर ना राइट और ना लेफ्ट होने की जरूरत है, जिन पर न्यूट्रल होने की जरूरत है, मैं वहां पर न्यूट्रलिटी के साथ ही पेश आता हूं। वहां पर जरूरत नहीं कि इधर की बात की जाए, उधर की बात की जाए, इधर खतरा है तो उधर तैरा जाए, उधर खतरा है तो इधर तैरा जाए। समुद्र के बीच में तैरना मुझको पसंद है क्योंकि मैं उन बातों को ज्यादा ऊपर रखता हूं जिन बातों का सीधा सरोकार आपसे है। तो कानपुर में घटना घटती है, इस घटना में क्या कुछ होता है मैं आपको बड़ा ही संक्षेप में समझाने की कोशिश करता हूं। एक मुस्लिम युवक है, उसका घर है, एक उसके पड़ोस में एक परिवार रहता है जो हिंदू परिवार है। दोनों घरों के बीच में एक कहानी की शुरुआत होती है और वो कहानी की शुरुआत होती है कि एक महिला है, उसके घर के बाहर दो बाइकें आपस में भिड़ जाती हैं, इसको लेकर झगड़ा शुरू होता है। झगड़ा बिल्कुल आम है, जैसे सास बहू का झगड़ा होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है, पड़ोसियों का झगड़ा होता है, बहुत आम झगड़े हैं। ऐसे झगड़े रोजाना हमारे अड़ोस पे, पड़ोस पे हमको देखने को मिलते हैं। ये वैसा ही सामान्य सा झगड़ा था, लेकिन इस झगड़े में क्योंकि दो अलग अलग धर्म के लोग शामिल थे इसलिए इस झगड़े को एक ऐसा रूप दिया गया कि वो हमारे देश के लिए बहुत खराब है। आपको बताता हूं, झगड़े के बाद होता क्या है कि महिला एक कहती है कि इन्होंने मुझे धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा था और बस, जैसे कुछ लोगों को खाद मिल गई, कुछ लोगों को जैसे एनर्जी का एक बूस्टर मिल गया और लोग चालू हो गए अपना एजेंडा सेट करने में। यहां पर सबसे बड़ा जिसको मैं देशद्रोही मानता हूं वो है एक ग्रुप, एक फ्रिंज ग्रुप। यह फ्रिंज ग्रुप वहां पर पहुंचता है, वहां के लोगों के बीच जाता है और वहां से एक युवक को निकालता है, उसको बेरहमी के साथ पीटता है और बेरहमी के साथ पीटने के बाद इस बीच जो सबसे दर्दनाक विजुअल हमारे पास आते हैं वो ये थे कि उसकी बिटिया, छोटी सी बिटिया, मासूम सी बच्ची वहां रोती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है, मत मारो। और ये जो लोग जो बातें करते हैं कि हम देश में अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं, अपने धर्म को बचा रहे हैं, भगवान के लिए आप मत बचाइए, क्योंकि आप मुट्ठी भर लोग सारे हिंदुओं को नेतृत्व उनका नहीं करते हैं। आप एक छोटे से मुट्ठी भर लोग हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो सिर्फ गुंडा कहलाने के लायक है, सीधे तौर पर गुंडा कहलाने के लायक है, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ जोकर्स है, ये एक फ्रिंज ग्रुप है जिनको मैं ग्रुप ऑफ जोकर्स बोलूंगा। ये पहुंचते हैं और पिटाई कर देते हैं। ठीक है, अगर मामला धर्मांतरण का मालूम चल रहा था तो क्यों नहीं कोतवाली में जाकर प्रदर्शन किया, क्यों नहीं कोतवाली में जाकर, थाने में जाकर कानून का सहारा लिया,
लेकिन नहीं, ये कानून को अपनी ऊपर वाली जेब में रखते हैं और घुस जाते हैं, पीटते हैं, मारते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि कानून की किताबों में क्या लिखा है, आईपीसी में क्या है, सीआरपीसी में क्या है, इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये खुद में कानून है, खुद में मोरल पुलिसिंग करने वाले ये लोग जो वैलेंटाइन डे पर नजर आते हैं, जो तमाम और दिनों में नजर आते हैं, मुहर्रम का त्यौहार हो, मुस्लिमों का कोई त्यौहार हो, ये वहां नजर आते हैं, इनके पास कोई ठोस कुछ नहीं है। मैं सच कहूं तो इन्हें हिंदू धर्म के बारे में ही कुछ पता नहीं है, और अगर देश की सेवा का सच में इतना भाव है तो जाइए सीमाओं पर जाइए, लेकिन नहीं, ये सिर्फ उपद्रवी है, सिर्फ उत्पाती है, एक ग्रुप ऑफ जोकर्स है जो इस तरीके की हरकतों को अंजाम देते हैं और मेरे देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। पूरा मामला क्या है उसके लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए, ध्यान से देखिए। भारत यूं तो एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भी इस देश की ही है। एक युवक को लोग पीट रहे हैं और पीट रहे युवक की रोती हुई बच्ची की चीखें शोर शराबे में गुम हो गई हैं। बच्ची मासूम है, पिता को पिटता देख असहाय है, सिर्फ आंसुओं से अपने हालात बयां कर रही है। मामला ऊपरी तौर पर दो पड़ोसियों के बीच हुए विवाद का है, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अफसार को बेरहमी से पीटा है। अफसार पर ना तो कोई आरोप है और ना ही कोई FIR, लेकिन बजरंग दल को कोई कानून शायद रास नहीं आता, इसलिए खुद ही सजा का प्रावधान लिए हैं। शर्मनाक बात यह है कि पिटाई, पुलिस और रोती बिलखती मासूम बच्ची सब एक ही तस्वीर का हिस्सा है। कानून बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के सामने भीगी बिल्ली बना नजर आता है। हमलावर बजरंग दल के कार्यकर्ता थे जो कुरैशा बेगम के घर उनके बेटों को पकड़ने गए थे। उनके बेटे तो नहीं मिले, लेकिन सड़क पर कुरैशा बेगम के देवर अफसार हाथ लग गए। घटना से पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक सभा की और ये ऐलान किया। हमारे एक हिंदू परिवार की बहनें हैं जिनको जो है क्षेत्र के कुछ मुस्लिम अनावश्यक प्रकार से जो है धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और छेड़खानी करके उनको जो है काफ़ी जो परेशान करते थे, इसके लिए थाना बर्रा में तहरीर दी गई थी, जिस पे पहले प्रशासन ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया और संगठन के दबाव में आकर प्रशासन ने बर्रा थाने ने 354 पे मुकदमा पंजीकृत किया था, लेकिन अभी तक उनके अरेस्टिंग नहीं हुई और वो प्रतिदिन इन महिलाओं को, बहनों के हमारे, और अनावश्यक परेशान करते हैं, लैट्रिन खिलाते हैं और धन परिवर्तन कराने का दबाव देते हैं, छेड़खानी करते हैं, जिसके लिए मैंने 2 दिन पहले फिर मैंने इंस्पेक्टर महोदय को सूचना की थी, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और अपराधी ऐसे ही घूम रहे हैं। इसके लिए आज हम लोग क्षेत्र पर आदरणीय CO महोदय जी को और क्षेत्र के थाना अध्यक्ष को अवगत करा के यहाँ पर आए हुए हैं कि आपके द्वारा कई बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। हम हिंदू समाज को आहत नहीं होने देंगे, हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए स्वयं सक्षम हैं। अगर हमारा हिंदू परिवार किसी भी प्रकार से परेशान रहेगा, हम उसके लिए खड़े हैं, ढाल बन के, बाधाएं बन के हम लोग खड़े हैं। हमारा हिंदू परिवार पलायन नहीं करेगा, पराक्रम करेगा, किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आने देंगे। बजरंग दल के जब तक हम लोग हैं, हम अपने हिंदू परिवार को किसी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आने। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, 354 का मुकदमा पंजीकृत था, जबकि 354 में प्रशासन को अरेस्टिंग करनी चाहिए थी और किसी भी प्रकार से वहाँ पर, हाँ, एक मुस्लिम है जो उस विवाद में सम्मिलित था, जो कहते थे जमाती हैं और धर्म परिवर्तन के लिए है, जो उत्साहित करते थे, हिंदुओं को बहलाते थे, फुसलाते थे धर्म के आधार पर, पैसे के आधार पर। कानपुर की कच्ची बस्ती मोहल्ले की ये घटना अब पूरे देश में चर्चा का विषय है, जबकि घटना पहली नजर में आम झगड़ा लगता है, जहां कुरैशा और रानी पड़ोसी हैं। झगड़ा रानी के दरवाजे पर कुरैशा के बेटे की बाइक लड़ जाने के बाद शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुई पूरी कहानी? 12 जुलाई को कुरैशा ने रानी और उनके पति पर मारपीट की FIR लिखवाई थी। 31 जुलाई को रानी ने कुरैशा के लड़कों पर छेड़छाड़ की FIR लिखाई। घटना में दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए और फिर मुकदमेबाजी भी शुरू हो गई, लेकिन घटना के बाद रानी ने कुरैशा पर ये आरोप भी लगा दिया कि कुरैशा ने रानी से धर्म बदलने को कहा और धर्म बदलने की एवज में 20,000 रुपए देने की बात कही।
मामला ये है कि ये लोग कह रहे अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ, हम नहीं आ रहे तो कह रहे 20,000 रुपया ले लो, धर्म बेच दो, धर्म नहीं बेच रहे तो कह रहे तुमको रहना दुश्वार कर देंगे, वहाँ डरेंगे जान तो मार देंगे, कहीं इधर से पल्ली नोचते कहीं उधर से पल्ली नोचते, कहीं बिटियन कहीं चट घसीटन कर रहे थे, लोग कहते रहने नहीं देंगे जान तो मार देंगे, कमाने नहीं देते कहीं जाने नहीं देते, कहाँ लगे हम घर पे घुसी रहा मुसलमान है, थाने में शिकायत कर रहे, एक महीना तो बराबर तो जा रहे पर कोई सुनाई नहीं मेरी हो रही है, आज क्या किया यही देखो जो हो रहा है यही हो रहा है, वही लोग तो सब डंडा ले ले आ गए थे मारने को, जब हमने आवाज उठाया तो वही लोग मारने का आ रहे हैं, अब अकेले हम क्या कर लेंगे उनसे, हाँ हमारे सपोर्ट में दे रहे हैं लोग सपोर्ट, हाँ मुल्ला का गिरफ्तारी की नहीं ना, और नहीं देखा किसी के गिरफ्तारी की नहीं, हाँ आप कार्रवाई कर रही, पहले नहीं किया कुछ। इस एक आरोप के बाद से ही पूरा मामला धर्मांतरण का हो गया, मामले में धर्म का एंगल आते ही धर्म के तथाकथित ठेकेदारों की धमनियों में खून आ गया और खून का उबाल इस हद तक बढ़ गया कि ठेकेदार ही न्याय करने निकल पड़े। रानी के आरोप लगाते ही बजरंग दल के सदस्य मोहल्ले में पहुंच गए और उत्पात मचाया, कुरेशा के देवर को पूरे मोहल्ले घुमा घुमा कर पीटा, इस दौरान इंसानियत इस कदर बेबस दिखी कि पुलिस के सामने ही बजरंग दल के लोग अफसार को पीटते रहे और बेबस बच्ची रोती रही। वहीं कुरेशा का कहना है कि झगड़ा सिर्फ घर के दरवाजे पर बाइकों के टकरा जाने से ही शुरू हुआ था, जिसके बाद रानी बजरंग दल के लोगों के पास पहुंच गई और अब मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। बाकी अफसार की भरपूर पिटाई के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अफसार और उसकी बिटिया को किसी तरह उन्मादी भीड़ से बचाया। पुलिस ने पिटाई करने वाले कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और अजय उर्फ राजेश बैंडवाला, अमन गुप्ता, राहुल कुमार नाम के युवकों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसा पुलिस का कहना है। आज थाना बर्रा क्षेत्र में रामगोपाल चौराहे के पास कच्ची बस्ती जो है वहाँ की एक घटना का वीडियो प्रकाश में आया, जिसमें एक व्यक्ति के साथ लोग मारपीट कर रहे हैं, जो पीड़ित है उसकी तहरीर के आधार पर कुछ नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है, इसमें अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जय श्री राम का जबरन नारा लगवाने को लेकर की गई पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाओं को देख आम आदमी ये सोच रहा है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। अब जरा आंखें बंद करके मेडिटेशन के साथ एक चीज सोचिए कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है। आप थोड़ा सा सोचिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग की जो परिभाषा घड़ी गई है उसको अगर इस ओर से देखा जाता है तो इस ओर से भी देखा जाना चाहिए। अगर कुछ लोग देश के टुकड़े एक अलग तरह से करना चाहते हैं तो ये लोग भी देश का टुकड़ा करना चाहते हैं। अगर एक फल है, एक सेब है, उसको काटना चाहता है कोई व्यक्ति इधर से और कोई व्यक्ति उधर से काटना चाहता है, आखिर में नुकसान फल का है, नुकसान मेरे देश का है। और ऐसे मौकों पर मैं शांत नहीं रह सकता, क्योंकि पॉलिटिकल आइडेंटिटी सिर्फ पॉलिटिकल लोगों की हो सकती है, पॉलिटिकल सोच, पॉलिटिकल ओपिनियन सिर्फ उन्हीं लोगों के हो सकते हैं। मैं इस देश का एक सामान्य नागरिक हूं, इस देश का एक सामान्य पत्रकार हूं और मेरी एक शैली है कि मैं कभी भी झूठ सच, कभी भी लेफ्ट कभी भी राइट, इन चीजों में फर्क करना बेहतर ढंग से समझता हूं, इसलिए मैं पत्रकार कहलाता हूं। इसके साथ ही एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या यह तस्वीरें अगर पाकिस्तान से आई होती तो आपको कैसा लगता? अगर इसी तरह एक भीड़ ने पाकिस्तान में किसी माइनॉरिटी यानी हिंदू को पीटा होता तो आपको कैसा लगता? सोचिए। इसके साथ ही एक और चीज सोचिए, तालिबान जिस तरीके से अफगानिस्तान में क्रूरता कर रहा है उस तरह की तस्वीरें हम लोग बार बार देख रहे हैं और एक ही सवाल सोचते हैं कि ये कैसे लोग हैं। अब जरा उन चीजों को यहां रखकर देखिए, शांत मत बैठिए, सोचिए मत कि यहां अपना घर का मसला है या मेरे धर्म के लोग हैं जो पीट रहे हैं तो मैं यहां शांत रहकर एक डब्बे के चारखाने में छिप जाता हूं, क्योंकि अगर आप आज यहां छिपेंगे तो उसी तरह की कहावतों को आम कर देंगे कि आप पर बीतेगी तब आपको समझ आएगा, क्योंकि अगर ये कहानी ये चिंगारी यहां से शुरू हुई है तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश को नुकसान पहुंचाएगी और ले डूबेगी। इसके साथ ही क्यों नहीं ऐसी चीजों पर बार बार बीजेपी से तार इनके जुड़े मिलते हैं। इसका पहला सबूत वो है कि जब अश्विनी उपाध्याय जो पूर्व प्रवक्ता था बीजेपी का, वो दिल्ली में जिस भीड़ ने
जंतर मंतर पर यह कहा कि इन लोगों को हम ऐसे 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 कर देंगे, मैं उन शब्दों का यहां प्रयोग नहीं कर सकता, तब क्यों नहीं बीजेपी के बड़े नेता सामने आते और कहते कि यह बंदा, ये आदमी जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं, हम इस चीज को कंडेम करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, क्यों नहीं बोलते? तब बीजेपी चुपचाप तीतर की तरह मुंह बालू में छिपा लेती है और छिप जाती है। लेकिन अगर यही कुछ ऐसा ही जेएनयू में कहा गया होता तो ये लोग बड़ी तेजी से सामने आते हैं। तो मंशा साफ है कि इनका एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के दरवाजे के पीछे छिपे रहते हैं, इनका देश से उस तरह का ताल्लुक नहीं है जिस तरीके की ये बातें करते हैं। कानपुर वाली घटना में भी जो भीड़ है, जो पीट रही थी, उसमें एक बीजेपी विधायक है, उनके बेटे की तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बेटे का नाम शुभम त्रिवेदी है और उनके जो पिताजी हैं, पिताश्री जो हैं उनके, वो बीजेपी के विधायक हैं। उनको इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता कि एक छोटी सी बिटिया वहां बिलख बिलख कर रो रही है, जिनकी तस्वीरें देखकर मुझे भी मन से पीड़ा हुई। उस बिटिया से इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके भाषणों में, इनके मैनिफेस्टो में और बाकी तमाम जगहों पर एक चीज होती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी रो रही है उस चीज से लेना देना नहीं है। धर्मांतरण को लेकर बात कर रहे हैं, मतलब चीजों को किसी ना किसी एंगल से ले जाकर जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं बीजेपी के ये विधायक साहब, आपको देख लेना चाहिए और सुन लेना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं, प्रकरण वही है, जब मुगल शासक जब हुए देश में तो उन्होंने ताकत के बल पर लोगों को कन्वर्ट करते, तो उस समय क्या था कि तलवारों के बल पे, तोपों के बल पे और भय दिखाकर लोग कन्वर्ट करते थे। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कन्वर्ट किए गए थे लोग। आज भी निश्चित रूप से लालच देके धमका के भी लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये पुलिस का जांच है और जो विषय है तो उसमें मुस्लिम समाज का भी कह रहे हैं कि पुलिस के जाँच से मैं संतुष्ट हूँ। रहा सपा बसपा इन लोगों का, कांग्रेस वालों का, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इन्होंने हमेशा बंटवारा करके ही राज करने का काम किया। अब ये भ्रष्ट लोगों के विचारों को कोई सहमत नहीं हो सकता है। इसमें मोदी जी और योगी जी का राज विचारधारा है और इसीलिए आज पृथ्वी में सबसे बड़ी अगर कोई विचारधारा है तो हम निश्चित रूप से, जिसका हम लोग काम कर रहे हैं सिपाही के रूप में, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम कर रही है। इसलिए इन सब लोगों की चर्चा करना ही समय को बर्बाद करना है। हमने कहा नहीं आपसे कि जो ये विपक्ष है, जो विपक्ष की भूमिका को निभाना चाहिए, विपक्ष की भूमिका वही है जो कहीं सत्ता पक्ष के लोग अगर कहीं कोई पाप कर रहे हैं तो उसको जनता के बीच में लाकर उजागर करना चाहिए। तो कोई पाप तो ये बता नहीं पा रहे, इसलिए ध्रुवीकरण करके चाहते हैं कि हम समाज को कैसे बांटें और वोट बैंक को बढ़ावा। तो विधायक साहब बता रहे हैं कि विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा और विधायक साहब अपना काम पूरी तरह से कर रहे हैं। अब विधायक साहब अपने नालायक बेटे के साथ क्या करेंगे? घर पर उसको समझाएंगे कि उसको शाबाशी देंगे, क्या कुछ करेंगे? बीजेपी विधायक की आपने बाइट सुन ली है, बाइट से मंसूबे साफ हैं। बाकी मैं इस मुद्दे पर राजनीति में खैर नहीं आना चाहता था, लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा होती है इस चीज को देखकर और सुनकर कि जैसे ही ऐसे मसले सामने आते हैं तो अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से राजनीतिक टूर करने वाले ये जो सैलानी है, इनको मैं राजनीतिक सैलानी नाम दूंगा, ये राजनीतिक सैलानी जो है टूर एंड टूरिज्म पर निकल पड़ते हैं। ऐसे ही बता दूं आपको कि पूर्व कानून मंत्री है हमारे सलमान खुर्शीद साहब नाम है इनका, ये पहुंच गए हैं और अब मामले को असली तूल देने लगे हैं। सलमान खुर्शीद साहब पहुंचे हैं वहां पर और उन्होंने वहां जाकर बोला कि मैं मानवता के खातिर यहां पर आया हूं, जबकि अंदर से एक आवाज आ रही होगी कि नहीं भाई, राजनीति के हिसाब से आए हैं। लेकिन वो बता रहे हैं कि नहीं, वो मानवता के खातिर इधर आए हैं। अब इनसे कोई पूछे कि अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से इधर उधर क्यों जाते हैं? आपको पीछे सुप्रिया श्रीनेत भी दिख रही होंगी, ये कांग्रेस की प्रवक्ता है, और सामने दिख रहे हैं पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद जो पहुंच चुके हैं और अब पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी कुछ सफेद और कुछ भी काला नहीं होता, कहीं भी कुछ भी साफ साफ नहीं नजर आ पाता, क्योंकि जो राजनीति है और कुछ सरीखे पत्रकार हैं वो क्या करते हैं, एक मुद्दा होता है, एक खबर है, उसके वन
2-3 पॉइंट निकाल लेते हैं अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, अपनी कंफर्ट के हिसाब से, और जो दूसरा पक्ष है वो 1-2-3 निकाल लेगा अपने कंफर्ट के हिसाब से। जैसे कि जब तेल के दामों में वृद्धि होती है तो एक पक्ष, एक पत्रकार और साथ ही साथ नेता बताते हैं आपको कि पेट्रोल की वृद्धि आपके लिए क्यों अच्छी है और यह क्यों की गई है, वहीं दूसरा पक्ष, दूसरे पत्रकार, दूसरे नेता आपको बताते हैं कि यह सबसे बड़ी विफलता है और लोकतंत्र लीजिए खतरे में आ गया। तो ये लोग हैं अपने अपने हिसाब से चीजों को गढ़ते हैं, अपने अपने हिसाब से चीजों को मांझने का काम करते हैं। लेकिन एक चीज गौर से सोचिए आप कि वो बच्ची जो बिलख बिलख कर रो रही है और उसके सामने उसके पिता को पीटा जा रहा है, ये कौन सा कानून है जो एक ग्रुप को, एक फ्रिंज ग्रुप को, एक हुड़दंगियों के एक समूह को, एक मैं बोलूंगा एक गुंडों के पूरे झुंड को इस तरीके का वो करने का मौका देता है कि वो वहां जाकर पीट सके। और देखिए हमेशा की तरह वही तस्वीर है दोबारा से कि पहले पिटाई हो जाती है, फिर उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी पहुंच जाते हैं पिटाई पर मिठाई खिलाने। तो जो रवीना जी है वो पहुंच चुकी है, एसीपी है रवीना जी पहुंची, और अब वो किस तरीके से बच्चे को लालन पोलन, बच्चों को किस तरीके से पुचकार रही है। लेकिन जब उन हुड़दंगियों ने जिस तरीके से उस बच्ची के सामने उसके पिता को पीटा, क्या इन दागों को, क्या उस बच्ची के मन में जो घर कर गया है, जो चीज, जो डर बस गया है, उसको रवीना जी धुल सकती है? नहीं धुल सकती। तो सवाल उठता है कि पुलिस क्यों नहीं ऐसे मसलों पर जो संवेदनशील हो सकते हैं उन पर पहले से नियंत्रण बना के रखती है? और आखिर क्यों ये फ्रिंज ग्रुप, ये फ्रिंज ग्रुप जहां चाहते हैं मार पिटाई कर लेते हैं, कहीं से कुछ तो इनकी पीठ पर टैपिंग कहीं ना कहीं से तो होती है, कहीं ना कहीं से तो इनको लगता है कि ये बच निकलेंगे, और ये कहां से बच निकलते हैं वो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन आज बात एक क्लियर करके ही जाऊंगा, और वो क्लियर बात ये है कि ये जो झोंकड़ों का जो झुंड है, जो जिस तरीके से इस बच्ची को सामने उसके पिता को पीट रहा है, ये झुंड एंटी नेशनल्स का झुंड है, इससे अलग कुछ नहीं। ये झुंड एक जोकर्स हैं, दे आर अ ग्रुप ऑफ जोकर्स जो पहुंचते हैं और कहीं भी अपने हिसाब से लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। लोगों को इसके खिलाफ सामने आकर बोलना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये झुंड काफी समय से कहीं भी पहुंचकर कहीं भी किसी पर भी अधिकार जमाने लगता है। आप यहां आए कैसे, आप यहां कैसे खड़े हैं, इस झुंड की मानसिक स्थिति जो है उसमें दिवालियापन की स्थिति बन चुकी है। इस झुंड को जितनी जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए, इस झुंड को जितनी जल्दी खत्म किया जाए, डिसेबल किया जाए, वो ज्यादा बेहतर है इस देश के लिए। क्योंकि याद रखिए कि ये जो झुंड है ये जब तक सड़कों पर घूमता रहेगा, ये झुंड जो है जब तक सड़कों पर अपना पागलपन करता रहेगा, ये झुंड जो है जब तक सड़कों पर घूम घूम कर हमारे देश के लोगों को प्रताड़ित करता रहेगा, ये झुंड जब तक हमारे देश को ऐसे ही घाव देता रहेगा, हमारे देश को बांटने की कोशिशें करता रहेगा, ये झुंड जब तक हमारे देश के टुकड़े करने की कोशिश करता रहेगा, ये झुंड जब तक हमारे देश में बैक्टीरिया बनने का काम करता रहेगा, तब तक हमारा देश कभी भी एक महान भारत नहीं बन सकता। और हम एक बात स्पष्ट करते हैं कि हमारी, मेरी, मेरे चैनल की कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। मैं और मेरा चैनल इस तरह के कृत्यों का पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ भर्त्सना करते हैं, और मेरे ऊपर अगर कोई भी किसी भी तरह का इस चीज को बोलने के लिए, स्पष्ट शब्दों को रखने के लिए अगर किसी भी तरह का थ्रेट मिलता है तो ब्रिंग इट ऑन, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। क्योंकि सच बोलना सबसे बड़ी बहादुरी का काम होता है, और झूठ बोलना, आप कितने भी ताकतवर हो जाइए झूठ बोलकर, लेकिन वो सिर्फ कायरों की निशानी होती है। और मैं कायर नहीं हूं, मैं इस देश का एक सपूत हूं जो साफ बातें और स्पष्ट बातें रखने के लिए यहां पर बैठा हूं। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं इस मंच के, इस जगह पर बैठकर आपसे संवाद करने के लायक नहीं हूं, मैं इस पेशे को छोड़ दूंगा और किसी जगह पर जाकर कोई भी काम कर लूंगा। लेकिन जाते जाते मैं आज अपने तिरंगे से माफी मांगना चाहता हूं कि हमारे देश के कुछ लोग आपको किस तरीके से, मेरे देश के कुछ लोग किस तरीके से यहां पर रहकर हमारे देश को जो बांटने का काम कर रहे हैं, हमारे देश में जो बैक्टीरिया बनने का काम कर रहे हैं, हमारे देश को जो खोखला बनने का काम कर रहे हैं, उनको निस्तनाबूद करने का वक्त आ गया है, और ये हाई टाइम है। आज
फिलहाल इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी और कल हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और खुशी के साथ एक प्रण लेंगे कि हम अपने देश को संवारने का काम करें। देश को संवारने के लिए जरूरी नहीं कि आप सीमाओं पर जाएं, देश को संवारने के लिए हर वो व्यक्ति आगे आ सकता है जो सड़क पर पड़े कचड़े को उठाकर डस्टबिन में भी डाल देता है, वो भी देश में एक सेवा भाव दे रहा है। हमारे देश की छोटी छोटी चीजों पर भी आप अमल करते हैं तो हम एक विश्व गुरु बनने में हमको कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल प्रोग्राम को यही खत्म करता हूं और एक आशा करता हूं, एक उम्मीद करता हूं कि कल जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो हमारे देश के कुछ जो बैक्टीरिया हैं उन पर भी हम कुछ काम करेंगे, उनको सद्बुद्धि देने का काम करेंगे, उनको सुधारने का काम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।